जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भोंगल नियर डीएलएम रिसोर्ट पठानकोट। वार्ड नंबर 11 में बोरवेल का उद्घाटन किया गया, जिसके लिए विशेष रूप से मेयर पन्नालाल भाटिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष विज, डिप्टी मेयर अजय कुमार, पार्षद गौरव वडेरा उपस्थित हुए, जिन्होंने इस बोरवेल का उद्घाटन किया और इससे पूर्व उन्होंने शनिदेव मंदिर में माथा भी टेका, जिसकी जानकारी में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि इससे कुशीनगर डलहौजी रोड के लोगों की समस्या हल होगी। संपूर्ण हल किया है और यहाँ बहुत पानी की समस्या थी, जो आज विधायक जी के कर कमलों द्वारा यहाँ एक नई ट्यूबवेल का जो है उद्घाटन किया गया है, तो हम उनका बड़ा आभारी हैं और उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद देते हैं कि वो आगे चलकर के भी ऐसे पुण्य कार्य करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार जी, आज जैसे शनि मंदिर सारे बहुत बार मेरे नाम पंडे दे रहे साहब ने, स्वामी जी ने पूरी कमेटी है शनि मंदिर की, अज असी इतने बोरवेल कराया काफ़ी लेट तो सिर्फ इस पर्टिकुलर पोर्शन से पानी की प्रॉब्लम थी, तो अज असी बोर का काम चालू कराया। पिछले इलाकों में ऑलरेडी ट्यूबवेल लग चुके हैं, तो उन्होंने पाइप स्लिप बिछ चुकी थी और अप्रोक्सीमेटली 20 अक्टूबर से काम ऑलरेडी पॉलिश हो चुके हैं, मगर रोड से कुशीनगर से है जी पर्टिकुलर इलाका है इतने पानी की प्रॉब्लम थी, तो मैं मेयर साहब का और सारे एम सी साहबान का कॉरपोरेशन का थैंक्स करना कि यह कोऑर्डिनेट करके काम करा रहे हैं, तो उस तो बाद मैं नहीं लगता कि जल्द ही कोई प्रॉब्लम होगी, और भी मैं कमेटी में रिक्वेस्ट करा कि और भी कोई जी प्रॉब्लम हो जरूर दसन, असं उन्होंने अगे बढ़ के सॉल्व करा, क्योंकि यह जो सा स्थान है शनि मंदिर, काफ़ी लोग पूरे शहर चो आस पास लोग इतने आते हैं और छपील भी इतने लगती है, असं जरूर लोगों की थोड़ी जी समस्या का शुक्रिया। अच्छ सू डलहौजी रोड शनि मंदिर आने का मौका मिले और मेरे नाल साडे माननीय MLA श्री अमित वेद जी, साडे कारपोरेटर, साडे अपना जूनियर अपना मेयर साहब भी मेरे नाल ने, और मंदिर की जिहड़ी सारी टीम है इत्थों दे प्रधान ये भी सारे अज मौके ते ने, और अज असी इत्थे एक बोर दे उद्घाटन वास्ते असी आए हाँ, क्योंकि इत्थे पिछले 25 साल तो पानी की बड़ी ज़्यादा समस्या सी, जिहदा पप्पू भाजी ने सानू दस्या, तो असी फौरी तौर पर MLA साहब दी ध्यान दे विच लिया और साडे MLA साहब ने इमीजिएट इस बोर नूं इत्थे लगवाउण वास्ते कहा, अज असी उन्हां दी कृपा दे नाल इत्थे बोर दा उद्घाटन करन आए और अज मौके ते असी बोर नूं शुरू कर दिता, और मैनूं उम्मीद आ भई इस इलाके दे जिहड़ी 25 साल पुरानी समस्या सी अज जो क्लीयर हो गई है, और मैं ये भी अपने शहर वासियों नूं सारे नूं दसना चाहना कि माननीय श्री अमित विज जी दे नेतृत्व थले पठानकोट जिहड़ा प्रगति दे तौर पर जा रहा, और कितने भी किसी तरह की भी कोई समस्या असी पूरी तौर पर उन्होंने हल कर रहे हैं, जो उन्हां दा आदेश हुंदा उहदी पूरी पालना हुंदी है, और जे किसी नूं किसी तरह की कोई बड़ी एमरजेंसी इस तरह की कोई समस्या पानी की जां कोई सीवरेज की साडे ध्यान च लियाण, असी उहनूं पूरी तौर पर MLA साहब दे कहे अनुसार पूरा करांगे। धन्यवाद। MLA साहब ने शनि मंदिर आकर जो कर्म कार्य किए हैं वो सराहनीय है पठानकोट के लिए। पिछले 25 साल से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पानी की इतनी किल्लत है कि कोई साहब नहीं, जितने 3 व्हीलर जितनी गाड़ियाँ आती हैं जहाँ पानी पीने के लिए रुकते हैं, लेकिन पानी की कमी महसूस होती है। आज इन्होंने सबमर्सिबल बोर यहाँ पर लगवा कर पानी की किल्लत को ख़त्म किया, और जितने यहाँ पर इलाके के मोहल्ले हैं इलाके कुशीनगर इतने, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक सराहनीय पुण्य काम है, इनको लिए मैं इनका तह दिल से धन्यवाद करता हूँ। अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शनिदेव आप पर सदा कृपा बनाए रखें, जय जय शनिदेव महाराज। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।